मुझे लग रहा है कि विवेक श्रीवास्तव काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, इनको भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। विवेक जी, आपको चर्चा में शामिल कर रहे हैं। अभी देश में जो सियासी माहौल है उसमें कांग्रेस नजर आ रही है, उसमें नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं, दक्षिण में देखें तो टीआरएस काफी एक्टिव है, लेकिन लेफ्ट कहां है? लेफ्ट इस क्या इस देश में लेफ्ट का अस्तित्व है? ये भी है, अब लोग ये तो पूछने लगे हैं, केरल को छोड़कर आप देश में कहीं नहीं है, मुद्दों को लेकर, सरकार के खिलाफ बयानों को लेकर। जी, 2 मार्च को आपको त्रिपुरा में उत्तर मिल जाएगा। पहला, बिहार के अंदर हम लोग तेजस्वी जी के साथ थे, बंगाल में हम लोग कांग्रेस के साथ मिलकर के लड़े हैं एक रणनीति के तहत। देखिए, 2 मुद्दे हैं इस देश की राजनीति में आज। एक तो मैं समाजवादी मुद्दा, जो हमारा कैपिटलिज्म वर्सेस सोशलिज्म है, और दूसरा उससे बड़ा जो मुद्दा है वो है कम्युनल पॉलिटिक्स वर्सेस सेक्युलर पॉलिटिक्स। तो सेक्युलर पॉलिटिक्स में आइडियोलॉजिकली सभी दल जो हैं वो धीरे धीरे करके एक साथ हो रहे हैं। आपने एक प्रश्न पूछा था, साहब प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट कौन होगा विपक्ष की तरफ से नरेंद्र मोदी के खिलाफ? जरूरी नहीं होता है। अटल बिहारी वाजपेयी 2004 में चुनाव उनको हरवाया था तो प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट कांग्रेस ने घोषित नहीं किया था, और बाद में डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पे कंसेंसस बना था, लेफ्ट ने समर्थन दिया था, कांग्रेस ने यूपीए ने सरकार बनाई थी। तो पॉलिसीज के ऊपर एक सिविलाइज डेमोक्रेसी में एक्चुअली तो फेसेस के ऊपर तो चुनाव होना ही नहीं चाहिए, पॉलिसीज पे चुनाव होना चाहिए कि कौन सी गवर्नमेंट किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है। दूसरी चीज, अभी बहुत जल्दी है इस बात में कि भाई लो सारे दल घोषणा शुरू कर दें कौन कितनी सीट किसको देगा, क्या तालमेल बनेगा, ये चीज चलेगी। कई जगहों पे प्री पोल टाइप आप देखेंगे, कई राज्यों में आप पोस्ट पोल टाइप भी आप देखेंगे कि जब रिजल्ट्स आ जाएंगे तो उसके बाद भी आइडियोलॉजिकली कुछ दल इकट्ठे होंगे। लेकिन विवेक जी इस बात से कोई दो राय नहीं कि इस देश में चुनाव होने चाहिए, पॉलिसीज को लेकर होने चाहिए। यही तो कह रहा हूं ना, बीजेपी जो भी इशू उठा रही है, बीजेपी जो भी इशू उठा रही है वो पब्लिक को कनेक्ट कर रहा है। यही बीजेपी कहां एक दो राज्यों में होती थी, आज पूरे देश में छाई हुई है, लोकसभा में अजय नजर आ रही है, और यही लेफ्ट अब सिमट गई है। तो आपकी जो पॉलिसी है, ठीक है, क्या आपके जो मुद्दे हैं वो लोगों तक पहुंच क्यों नहीं पा रहे? यही तो बड़ा सवाल है ना कि लेफ्ट को लोग अब भूलते क्यों जा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे कि लेफ्ट को भूलते जा रहे हैं। मैंने आपको कहा त्रिपुरा में एक अच्छा रिजल्ट हमारा एक्सपेक्टेड है, बिहार में हमारी प्रेजेंस है, 16 MLAs हमारे लेफ्ट के वहां भी बैठे हुए हैं, बंगाल में एक रिसर्जेंस हो रहा है, राज्यसभा में हम लोग युवाओं को भेज रहे हैं। तो ये तो साइकिल होता है पॉलिटिक्स का, और पॉलिटिक्स बहुत एक लंबे अरसे की चीज होती है, और लेफ्ट जो है उसमें रहेगी, हमेशा रहेगी। जब तक आपका एक इकोनॉमिक डिफरेंस देश के अंदर रहेगा, लेफ्ट का रहना जरूरी भी है एक बैलेंस बनाए रखने के लिए। इसको इस तरीके से आप देखें, हम कांग्रेस को एक सेक्युलर दल मानते हैं, पुरानी पार्टी है, सेंटर में रही है, ऑन एंड ऑफ कांग्रेस के साथ लेफ्ट का गठबंधन रहा है, और हमें लगता है कि देश में सेक्युलरिज्म को बचाने के लिए ऐसे दलों का समर्थन भी हमें ऑन एंड ऑफ करना चाहिए मुद्दों के आधार पे, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पे। ठीक है, सेक्युलरिज्म आपका आधार होगा, सेक्युलरिज्म आपका आधार होगा ये मुझे नजर आ रहा है। लेकिन अजय उपाध्याय जी, जैसे सवाल हम उठा रहे थे कि 90s के कारण पॉलिटिक्स को देखें, मैं 10 सेकंड और चाहूंगा रवि भाई, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात अनिल जी ने करी थी, कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा जी ने प्रधानमंत्री के पिता के खिलाफ ऐसा कुछ नहीं बोला, वो एक पर्सनल टिप्पणी भी नहीं थी, वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट था। वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट सिर्फ ये बता रहा था कि कहीं ना कहीं अडानी और उनके एंटरप्राइजेस पॉलिटिकल और फाइनेंशियल गॉडफादर्स बीजेपी के हैं, ये कटाक्ष था। और कटाक्ष में जैसे ही पवन खेड़ा जी को लगा कि इसको पर्सनल लिया जा रहा है, उन्होंने अपोलोजाइज भी किया, ही वॉज ग्रेशियस एनफ, लेकिन बीजेपी और प्रधानमंत्री ने वो ग्रेशियसनेस नहीं दिखाई। प्रधानमंत्री जब नेहरू थे, ठीक है, मैं अब जवाब ले रहा हूं इसी मुद्दे पे सवाल इसी अजय उपाध्याय से। अजय जी, जब कोई व्यक्ति कुछ गलत नहीं करता है ना, तो कभी माफी नहीं मांगता। आपने माफी को लेकर बहुत सवाल उठाए हैं, और किस पे उठाए हैं उसका नाम लेने की जरूरत नहीं है। अगर पवन खेड़ा ने कोई गलत नहीं किया था, आपने कल दिन भर एयरपोर्ट पे हंगामा किया कि हमने कुछ गलत नहीं किया, हमें बेवजह फंसाया जा रहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पहुंचते पवन खेड़ा जी कह रहे हैं कि मैं माफी मांगने को तैयार हूं। जब गलती नहीं की है तो माफी किस बात की? देखिए रवि भाई, कुछ संस्कार होते हैं। प्रधानमंत्री जी ने सुपर्णेखा कहा कभी माफी नहीं मांगी, प्रधानमंत्री जी ने कांग्रेस का विधवा कहा कभी माफी नहीं मांगी, प्रधानमंत्री जी ने नेहरू जी के सरनेम को लेकर के कितनी भद्दी टिप्पणी की हमारे गांधी परिवार और राहुल जी पर, कभी कोई माफी नहीं मांगी। लेकिन हम लोगों का संस्कार है, यदि कोई चीज स्लिप ऑफ टन भी हो गया, हमने उसको भी कहा। सुप्रीम कोर्ट में भी जो हमने माफी, जो बार बार लोग गीत गाते हैं, राहुल जी ने क्या माफी मांगी थी,
राफेल पर तो जो इनका है कहानी वो तो आज भी है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देखना ये है, देखना ये है कि ये अभिव्यक्ति की आजादी थी कल जो दिन भर बखेड़ा हुआ था, क्या ये स्लिप ऑफ टंग था, क्या ये माफी थी, अब ये जनता तक क्या मैसेज पहुंचा है। कल जो तस्वीरें, आज जो कांग्रेस का अधिवेशन आया, वहां से क्या बयान आते हैं आने वाले देश के सियासत के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा संवाद में शामिल होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे, देखते रहिए न्यूज 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।